हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। पाइथागोरस, आप लोगों ने नाम सुना होगा, इसका बहुत बार इस्तेमाल भी किया होगा। तो वो क्या चीज़ है, पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन इस चीज़ का प्रूफ ये कैसे आया है, ये बहुत कम लोगों को पता है। उसी के लिए मैं आपकी मदद करने के लिए आज यहाँ पे आपको बताने आया हूँ, प्रूफ ऑफ पाइथागोरियन थ्योरम। ओके, तो सबसे पहले मैं आपसे एक छोटी सी चीज़ पूछूंगा कि अगर, एक सेकेंड, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर दिया जाए तो आपके दिमाग में क्या आएगा। तो आप एक सिंपल सी चीज़ बोलेंगे, इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है। आप सीधे बोल देंगे ये तो पाइथागोरस थ्योरम दिख रहा है। ओके, सही है। तो पाइथागोरस क्या कहता है कि किसी भी दो साइड का स्क्वायर तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, सही बात है। बट आपने सबसे बड़ी गलती ये की कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के, मतलब किस को राइट एंगल ट्रायंगल इन द मीन्स उसका एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री। ओके, तो उसको देखते हैं ऐसे ये। ओके, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है? ऑब्वियस, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और यहां तक कि ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल कहने का मतलब, ये जो आपने सिंबल देखा, ये सिंबल, ये सिंबल, ये सिंबल, अगर ये सिंबल कहीं भी लग जाए तो आपको ये तो ऑब्वियस है, पहले से पता होगा कि इसका मतलब 90 डिग्री होता है। लेकिन आप लोगों ने हमेशा ऐसा देखा होगा, ऐसा देखा होगा, लेकिन ये आप लोग अपने दिमाग में डाल लीजिए, ये ऐसे ट्रायंगल में भी दिया जा सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, अगर आप हायर लेवल के एग्ज़ाम, कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ओके, तो आइए इस चीज़ का प्रूफ करते हैं कैसे किया जाए। तो सबसे पहले एक और मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर आपको दिया जाए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इतना बराबर क्या होता है, तो आप तपाक से बोलेंगे कि ये क्या पूछ रहे हैं आप लोग, और आप बोलेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मैं पूछूंगा ये आया कहाँ से, तो आप लोग बोलेंगे ये फॉर्मूला है। तो इसका प्रूफ भी है, इसका प्रूफ मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो एक अगले वीडियो में है मेरा, जिसका नाम है प्रूफ ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये पूरा इसका प्रूफ दिया हुआ है मैंने उस वीडियो में, तो वो आप वीडियो देख लीजिएगा। तो अभी पॉइंट ये नहीं है, अभी पॉइंट ये है कि अभी ये फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब उसके बाद हमको प्रूफ करना है कि पाइथागोरस थ्योरम कैसे मतलब आया। ओके, तो सबसे पहले हमको करना क्या है कि इसको हटाते हैं, एक लाइन खींचते हैं, ठीक है, और वो लाइन आप अपने मन से खींच सकते हैं। जैसे मैं एक लाइन खींच रहा हूँ, आप उसमें मुझे रोक सकते हैं कि कहाँ पे रुकूँ मैं। जैसे ये लाइन गई, ले लाइन गई, लाइन गई, लाइन गई, अब किसी ने बोला यहाँ पे रुक जाओ, ठीक है, मैं रुक गया। अब मैंने क्या किया, इस पॉइंट को एक पॉइंट माना। ओके, अब उसके बाद एक और आपसे सवाल बोल रहा हूँ कि मैं जैसे यहाँ पे जा रहा हूँ, जा रहा जा रहा हूँ, आप कहीं पर रोक सकते हैं, तो आपने मान लीजिए मुझे यहाँ पर रोक दिया। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। अब उसके बाद करना क्या है कि एक सिंपल सा स्क्वायर क्रिएट करना है, तो हम एक स्क्वायर बनाएंगे। मेरे पास स्केल नहीं है इसलिए, तो हमारा ये स्क्वायर बन चुका है। अब उसके बाद करना क्या है कि हमें ये जो है यहाँ पे इसको माना एक्स, इसको माना वाई। ओके, अब वही चीज़ यहाँ पे कर दी, इसको माना एक्स, इसको माना वाई। ओके, वही चीज़ यहाँ पे की, इसको माना एक्स, इसको माना वाई, और ऑब्वियसली जैसे किया यहाँ पे एक्स, यहाँ पे वाई। ओके, फाइन। अब सेकेंड थिंग हमको क्या करना है कि अब इस स्क्वायर के अंदर एक और स्क्वायर बनाना है, और वो स्क्वायर कैसे बनेगा
कि इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ऐड कर दें, इसको ऐड किया और इसको ऐड किया, और इसको और इसको किया ऐड। ओके, तो ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट को इधर ले ले रहे हैं, मैंने जो जो उसमें पॉइंट इधर ले लिया, ये पॉइंट एक्स है, ये पॉइंट वाई है। ओके, ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ गया। तो आप देख सकते हैं कि एक स्क्वायर के अंदर एक और स्क्वायर बन गया। अब क्या करना है हमको कि अब ये जो साइड है, ये साइड का मतलब स्क्वायर है तो सबकी साइड सारी साइड एक ही होगी, तो हमने उस साइड का नाम रखा जेड 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 जेड। ओके, अब करना क्या है यहाँ पे कि हमारे पास एक फार्मूला था जो मैंने आपको पहले डिस्कस किया था कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो अब इसी फॉर्मूले का यूज करना है, ठीक है। तो अब ये जो स्क्वायर है आपका बड़ा वाला स्क्वायर, इस बड़े वाला स्क्वायर का हम एरिया निकालते हैं, ठीक है। तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे कि साइड का जो होता है स्क्वायर होता है उस मतलब स्क्वायर का एरिया, तो साइड का स्क्वायर क्या है, एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर होता है, अगर कोई स्क्वायर का अगर एरिया ए है तो उसका एरिया होता है ए स्क्वायर। तो उसी तरह से इस स्क्वायर का साइड है ये एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमें ऑब्वियस सी बात है, आगे पता ही है हमको कि क्या आएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ओके फाइन, अब इसके बाद फाइनली करना क्या है कि अब मैं इसको इस चीज़ को यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy और इज इक्वल्स टू। अब क्या करना है कि ये जो बड़ा वाला स्क्वायर है, ये छोटा वाला स्क्वायर, इस स्क्वायर का भी एरिया दिखते हैं। तो इस स्क्वायर का एरिया क्या होगा कि ये जो जेड है, इस जेड का स्क्वायर। ओके, तो जेड का स्क्वायर, ठीक है भाई। अब उसके बाद क्या करना है कि ये जो ट्रायंगल्स हैं, ये ट्रायंगल दिख रहे हैं, इन ट्रायंगल का भी एरिया निकालना है। तो इन ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, ये तो वाई है, इसकी एक साइड वाई है, यहाँ पे भी इसकी एक साइड वाई है, और यहाँ पे भी इसकी एक साइड वाई है, यहाँ पे भी इसकी एक साइड वाई है, ठीक है। और बेस सबका एक्स दिख रहा है आपको, तो इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि ये चार ट्रायंगल दिख रहे हैं। ओके, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 4, और हमें पता है ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाला जाता है, बेस इनटू हाइट। ओके, तो 1/2, बेस क्या है हमारा एक्स, और हाइट क्या है वाई। ओके, अब हमने किया क्या, ये 2 को इससे कटा दिया। ओके, तो हमारे पास क्या बचा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू जेड स्क्वायर और प्लस 2xy। अब ये जो आपको 2xy दिख रहा है, 2xy, और यहाँ पे भी 2xy दिख रहा है, तो हम इसको बेधड़क काट दे रहे हैं। तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। हेंस आज आप लोगों ने प्रूफ कर दिया कि पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ कैसे किया जाता है। तो थैंक यू, और अगर आपको इसका प्रूफ देखना हो तो ये मेरे चैनल में प्रेजेंट है, आप इसको देख सकते हैं। तो धन्यवाद आपके इस मेरे वीडियो को देखने के लिए।